facts and take notes while I take totes of the marijuana smoke. Throw you in a choke, gun smoke, gun smoke. Biggie Smalls for mayor, the rap slayer. सो हे दोस्तों, स्वागत है सबका फिर से एक बहुत ही अमेजिंग क्लैश ऑफ क्लैंस के वीडियो पे। और सबसे पहले यार, ये वॉल्स थोड़ा मेरे से वॉल मूव हो गया था, अब सही है। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। और यहाँ पे यार देख लो, ये कलेक्ट हो के वेस्ट हो रहा है, मतलब क्या ही बोले। तो इसको थोड़ा लगा लेते हैं, हम यहाँ पे इन्वेस्ट कर लेंगे। और किस पे यूज़ करूँ, आई थिंक इस पे करना चाहिए। ठीक है, 8,000 हो गया। तो चलो आज का वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं। और काफ़ी मतलब बहुत सही वीडियो होने वाला है, एंड मैं अपने जो लेजेंड हिट्स है वो आपको दिखाने वाला हूँ। और जो अटैक्स होंगे, जो अटैक स्ट्रैटेजी होगी, वो काफ़ी कॉमन सी है, बहुत लोग यूज़ कर रहे हैं। बट यहाँ पे जो मैं यूज़ कर रहा हूँ और मैं कैसे अटैक कर रहा हूँ, अगर आप देखना चाहते हो और उससे आपको हेल्प होगी कुछ, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। तो चलो यहाँ पे जो है पहला अटैक स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं। सो ये बेस से जो मुझे सबसे फर्स्ट मिला था आज के दिन, एंड मैंने अटैक जो इस पे है अपोजिट से स्टार्ट किया रहेगा। तो फास्ट कर लेते थोड़ा, एंड यहाँ से एक बेबी ड्रैगन फनल के लिए आएगा, ताकि जो किंग है ना वो उस साइड मूव करे, एंड क्वीन उस साइड से, ताकि किंग है जो बेस के अब अंदर जाए यहाँ पे। एंड यहाँ पे एक जो है हेड हंटर, ताकि किंग की हेल्थ थोड़ी बनी रहे। और यहाँ पे ब्लिंप आता है, प्लस सारे जो ड्रैगन्स है वो बेस में सही से मूव कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा फ्रीज लेट हुआ, स्वीपर ने एक पुश दिया था, बट जो ब्लिंप है, जहाँ तक ब्लिंप को मैं भेजना चाहता था वहाँ तक ब्लिंप जो है जा चुकी है। तो यहाँ पे मुझे टाउन हॉल मिल जाता है, टाउन हॉल के साथ एक मल्टी इन्फर्नो, एंड अभी भी जो है एक और स्कैटर निकालने में यहाँ पे कामयाब रही। एक और मल्टी इन्फर्नो सुपर विजार्ड्स ने ले लिए हैं, और एक और जो टेस्ला है यहाँ पे डाउन हो चुका है। तो बेस में जो आखिरी बचा है यार, वो बचा है यहाँ पे एक मल्टी इन्फर्नो और कुछ एक वार्डन बचा है, मतलब वार्डन एक ही होता है, तो वही बचा था, और बाकी ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। और ये था फर्स्ट अटैक, और काफ़ी ईजी ट्रिपल यहाँ पे हो चुका है बेस। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट अटैक पे, तो देखते आज का हमारा अटैक कैसा जाता है। स्टार्ट काफ़ी अच्छा हुआ है, और देखते हैं अब सेकेंड अटैक। सो हम यहाँ पे आ चुके हैं हम अपने सेकेंड अटैक पे। और ये जो बेस है, ये बेस काफ़ी कॉमन सा बेस बोल सकते हैं, लेजेंड लीग में चल रहा है अभी, अराउंड 5.5 या 5.67 बोल सकते हो। तो इस पे मैंने यहाँ से जो है अपोजिट से गया था मैं, आई थिंक, या टाउन हॉल लिया था। ओके, तो मैंने टाउन हॉल लिया था, और मैंने यहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्ट करने की कोशिश नहीं की थी। सिर्फ दो इनविजुअल में मेरे को जो यहाँ पे टाउन हॉल मिल जाता है। तो 80 ब्लिम्प से भी ज़्यादा एफिशिएंट नहीं बोलेंगे, बट एक रेज उसमें भी लगता है, एंड टाउन हॉल 80 ब्लिम्प से, तो मतलब एक तरह से सेम ही है। ज़्यादा मुझे एक रेज और दो इनविजुअल नहीं लगे, तो ठीक है, टाउन हॉल लेने के लिए उतना तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे जो है लावा और सीसी को यहाँ तक ले आया था, बट यहाँ पे जो है टेस्ला फार्म निकल गया था, तो थोड़ा फास्ट कर लेते हैं। एंड यहाँ पे जो है लावा डाउन हो जाता है, मैं किंग ड्रॉप करता हूँ फनल के लिए, प्लस यहाँ पे जो है सारे ड्रैगन्स और हीरोज़ यहाँ पे आ जाते हैं। आरसी बचाया अभी भी, आरसी होल्ड करके रखा हूँ मैंने, प्लस एक हेड हंटर था मेरे पास, वो भी शायद मैंने वार्डन एबिलिटी में ड्रॉप किया था, क्योंकि सारे हीरोज़ यहीं पर थे। तो मैंने यहाँ पे पूरी तरह से जो है ड्रैगन्स को स्पैम किया है, और देखते हैं ये अटैक कहाँ तक जाता है। यहाँ पे एक इन्फर्नो डाउन हुआ, प्लस क्वीन सही रास्ते पे है, आरसी दूसरे साइड से ड्रॉप करूँगा आई थिंक मैं, एंड देख लो आरसी यहाँ पे आ चुका है दूसरे साइड से। और आरसी जो है काफ़ी गलत जा रहा है, मुझे मतलब वो जो स्वीपर है ना वहाँ पर जाना चाहिए था, ताकि ड्रैगन्स पुश होके बाहर ना जाए। अभी भी मेरे पास एक इंडिविजुअल था जो मैं यहाँ पे यूज़ कर चुका हूँ, आपने जैसा देखा था, मैंने टाउन हॉल लेने के लिए सिर्फ दो इंडिविजुअल यूज़ किया था, बाकी मैंने रेज वगैरह सब बचाए थे, क्लोन भी बचा हुआ था, और प्लस 3 इंडिविजुअल बचे थे जो मैंने यहाँ पे अटैक में यूज़ किए। और ये अटैक जो है काफ़ी क्लोज जा रहा है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, और देख सकते हो यहाँ पे दो ड्रैगन्स हैं,
क्वीन मर गई है, आरसी काफ़ी लो हेल्थ पे है तो आरसी भी मर जाएगी। टाइम बचा है 22 सेकंड, पास कर लेते थोड़ा। और यहाँ पे जो है 99% हो चुका है, 7 सेकंड बचे हैं और टाइम ख़त्म हो चुका है। तो बहुत ही बुरा नसीब बोल सकते हो। ये अटैक ट्रिपल नहीं होता है, काफ़ी क्लोज रहता है। ये सेकेंड अटैक था, अब देखते हैं थर्ड अटैक में हमने क्या किया था और आज का डे कैसा रहा। तो अभी तक तो ठीक ही है, एक 3 स्टार, एक 99% एंड चलो देखते हैं। तो यहाँ पे आ चुके हैं गाइस हम थर्ड अटैक पे, और ये जो बेस है उमांग फ्रॉम किंग्स इंडोनेशिया, एंड ये बेस आई थिंक पहले देखा या नहीं, पता नहीं या न्यू है, क्योंकि मैं बहुत टाइम से पुश नहीं कर रहा था, ठीक है, और अभी भी नहीं कर रहा था। जस्ट 2 दिन हुआ है मैंने थोड़ा सीरियसली स्टार्ट किया है। पहले मैंने सोचा कि यहाँ से जाऊँ टाउनल के लिए, बट वो हीरोज़ थे, मतलब फ्रंट से सिर्फ टाउनल लेने के लिए, तो फिर मैंने पीछे से जाना डिसाइड किया, क्योंकि यहाँ पे एक ही स्वीपर है, उसको फ्रीज कर दिया तो मेरा ब्लिंप यहाँ तक पहुँच जाएगा। अगर टोर्नेडो ना आया तो यहाँ पे वार्डन एबिलिटी, वार्डन काफ़ी दूर जा रहा था, बट समहाउ ब्लिंप जो है वार्डन एबिलिटी में आ गई। स्वीपर भी अलग ही डायरेक्शन में पुश कर रहा था, तो अभी तक सब सही जा रहा था। एंड यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी बड़ा वैल्यू था, और वहाँ पे जायंट बॉम्ब्स भी नहीं निकले। तो यहाँ से टाउन हॉल प्लस 2 स्कैटर्स जो है बेस के डाउन हो जाते हैं, और बेस में इतना कुछ अगर वैल्यू मिल जाए ब्लिजार्ड क्लोन ब्लिम से ही, तो जाहिर सी बात है 3 स्टार ए बेस होना ही था। एंड फिर भी क्लोज जाता है आई थिंक एंड में, और मैं क्वीन एबिलिटी होल्ड करके रखा हूँ यहाँ पे। और एक जो फ्रीज था वो काफ़ी सही टाइम पे ड्रॉप हुआ, जिसमें देख लो अब लास्ट में क्लोज होता है, बट क्वीन एबिलिटी है भाई, फिर टेंशन क्या है। तो ये रहा थर्ड अटैक गाइस, 100 99 100, बहुत सही चल रहा है। फोर्थ अटैक देखते हैं। ओके, तो अब आ चुके हैं हम अपने फोर्थ अटैक पे। नाम से ये प्लेयर चाइनीज़ लग रहा है, बट हमें पता है चाइनीज़ प्लेयर्स नहीं खेल सकते हैं अगर वो चाइना में है तो। इसे में भले शायद एक किसी और प्लेस पे रहता होगा, चाइनीज़ होगा, फिर भी यहाँ पे देख सकते हो मैं टीएच के लिए गया, प्लस टीएच के साथ मुझे काफ़ी सही वैल्यू मिला। यहाँ पे 2 एक्सपोज मिल गए, और मैंने यहाँ पे क्लोन बचा लिया, मतलब सिर्फ ब्लिजार्ड, सिर्फ 5 जो अपने इंडिविजुअल रहते वो यूज़ किया, क्लोन ब्लिजार्ड नहीं किया, सिर्फ ब्लिजार्ड इसमें किया था। क्लोन मैंने सेव किया फॉर बेस। अब देख सकते हो यहाँ पे सारे ड्रैगन्स जा रहे, क्लोन अर्ली यूज़ कर लिया, क्योंकि अगर आप क्लोन बचा के रखोगे ना और लास्ट में बलून्स नहीं बचते तो क्लोन रखा रह जाता है, इसलिए मैं क्लोन को अर्ली ही ड्रॉप कर देता हूँ ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे देख सकते हो दूसरे साइड से आरसी आई, और बेस में जैसे कि स्टार्ट में क्लोन से अपना ब्लिजार्ड से अच्छा वैल्यू मिला था, और एक अटैक काफ़ी क्लोज हो सकता था, बट यहाँ पे मैं थोड़ा लकी रहा। एंड ए अटैक भी जो है एंड में ईजिली ट्रिपल हो जाता है। तो अभी तक हमारा स्कोर था 4 अटैक में आई थिंक 152 था। अब हम 5th अटैक पे जा रहे हैं, और देखते हैं 5th अटैक में क्या होता है। सो हेयर वी गो गाइस, दिस इज़ आवर 5th अटैक। एंड मैं बता दूँ आपको, मैं मतलब 2 दिन 3 दिन हुआ रहेगा, मैं जो मेरी मेन आर्मी ड्रैगन्स वगैरह मैं यूज़ करता हूँ उससे मैं पुश करना शुरू किया था। मैं 5.5K के ऊपर हूँ, मतलब ये सारे बेसेस जो है मतलब ना उतने ही भी ज़्यादा अच्छे हैं ना उतने भी ज़्यादा लो है। तो ये जो बेस है इस पर मैं अपोजिट से अटैक कर रहा हूँ, क्योंकि उस साइड से एक ही स्वीपर है, तो यहाँ से वैल्यू भी मेरे को सही लग रहा है टाउन हॉल के आजू बाजू में। एंड ब्लिंप अगर सही से पहुँच जाए तो ए बेस जो है उड़ सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हो जो है टाउन हॉल तक पहुँच गया मेरा ब्लिंप, प्लस यहाँ पे मैंने क्लोन अर्ली यूज़ कर लिया, प्लस इनविजिबल यहाँ पे जल्दी जल्दी आ रहे हैं, और स्कैटर जो है वो डाउन नहीं होता है, प्लस आरसी भी डाउन नहीं होती है, तो मैंने वहाँ पे अपना आरसी जो है ड्रॉप किया। देख सकते हो ये आर्मी इतनी स्ट्रांग है कि बेस पूरा खाली हो चुका है ऑलरेडी, एंड मेरे पास अभी भी क्वीन एबिलिटी बची हुई है और एक फ्रीज अभी भी बचा हुआ है जो यहाँ पे मैं ड्रॉप कर दिया। तो
मैं मतलब स्वैग नहीं करता, अगर मतलब मैं सिर्फ फेंक देता हूँ भाई, नेक्स्ट आर्मी में तकलीफ़ नहीं होना चाहिए या गलत स्पेस नहीं आने चाहिए। नहीं तो अगर मेरे को वापस ले जा पाता ना मैं, तो मैं लेके चले जाते फ्रीज, क्योंकि थोड़ा बुरा लगता है ऐसे स्वैग वगैरह करने को। तो ये था फिफ्थ अटैक, स्कोर है 192। एंड अब हम बढ़ेंगे सिक्स्थ अटैक की तरफ, तो चलो देखते हैं। ऑल राइट गाइज, यहाँ पे आ चुके हैं हम सिक्स्थ अटैक पे। एंड जो है ये बेस काफ़ी आसान लग रहा है, तो यहाँ से मैंने जो है स्टार्ट किया, किंग ड्रॉप किया, किंग अंदर जाएगा उधर टुवर्ड्स दैट विश टावर, और यहाँ से जो है मैंने वार्डन अपने हीरो क्या बोलते हैं यार ड्रैगन ड्रॉप किए, प्लस ब्लिंप देख सकते हो। इसमें ब्लिंप काफ़ी अर्ली मैंने डाल दिया जो कि काफ़ी गलत था, और प्लस स्वीपर भी काफ़ी लेट फ्रीज किया, और यहाँ से लग रहा है कि अब ये ब्लिंप जो है टाउन हॉल तक पहुँचेगा ही नहीं, और ऐसा ही कुछ होता है गाइस। और ये जो है काफ़ी इजी 3 स्टार है, जो है मैं यहाँ पे 1 स्टार में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो आप इस चीज़ से सीख सकते हो कि अगर आपका दिन अच्छा जा रहा है, आपने काफ़ी ट्रिपल्स ऑलरेडी कर लिए हैं, तो आप ऐसे मिस्टेक्स कर सकते हो। अब यहाँ से जब मुझे पता था कि ब्लिंप गलत हो चुका है, तो मैंने अपना आरसी ड्रॉप किया, मेरे पास एक हेड हंटर था, मैंने वो भी ड्रॉप किया अटैक बचाने के लिए, ये टाउन हॉल कैसे भी मिल जाए। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे टाउन हॉल नहीं मिलता है, और काफ़ी अच्छा दिन जो चल रहा था अब थोड़ा मेसी यहाँ पे हो चुका है, बहुत गंदा सा अटैक हो गया यहाँ पे। तो बस वही गलती थी कि मेरे को ब्लिंक के लिए थोड़ा होल्ड करना था, ड्रैगन्स यहाँ पे और थोड़े वॉल्स तक पहुँच जाते, तब मैं अगर ब्लिंक डालता और टाइम पे फ्रीज करता ना वो स्वीपर, तो काफ़ी इजी ट्रिपल हो जाता। ये रहा सिक्स्थ अटैक, जस्ट 13 कप। तो चलो नेक्स्ट अटैक की तरफ चलते हैं। ओके, ये हमारा सेवन्थ अटैक। प्लेयर का नाम है वाटर, क्लैन का नाम है एनी थिंग गोज, एंड इस पर जो है मैं पक्का अपोजिट से अटैक करूँगा आई थिंक, क्योंकि अच्छा खासा फनल मिल रहा है। किंग जो है देख लो वहाँ से मैंने इस पे शायद उल्टे साइड से अटैक किया, क्योंकि अगर मैं उधर से ड्रैगन ड्रॉप करता ना, तो ज़्यादातर लोग यहाँ पे टोर्नेडो लगा के रखते हैं ये, तो मैं सोचा यहाँ से अगर मैं मतलब यहाँ से ब्लिंप डालूँ, फिर भी मैंने ब्लिंप देख लो मतलब पूरे बेस के बीच से ही डाला। अगर टोर्नेडो वहाँ पे आता तो ये भी 1 स्टार हो गया था। टोर्नेडो आई थिंक आया भी था, पर टाउन हॉल तक यहाँ पे सुपर विजार्ड्स पहुँच जाते हैं, प्लस क्लोन भी हो जाता है विजार्ड, और ये बेस में काफ़ी सही वैल्यू यहाँ पे मिल जाता है मेरे को। यहाँ पे मैंने क्वीन एबिलिटी यूज़ कर ली, आरसी अभी भी मेरे पास है, और फ्रीज़ कर दिया मैंने। पर मैंने देखा नहीं था कि जो क्वीन के ऊपर यूनिकॉर्न रहते ऑलरेडी मर चुका था, तो मेरे को आरसी के लिए फ्रीज़ बचाना चाहिए था। बट इस बेस में ऑलरेडी काफ़ी अच्छा वैल्यू निकाल लिया था ड्रैगन्स ने, एंड ये जो बेस है यहाँ पे हो जाता है ख़त्म। तो फास्ट कर लेते हैं, ये था सेवन्थ अटैक। हमारा स्कोर है ऑलरेडी 245 साथ में विथ 1 स्टार। तो जैसा कि वीडियो टाइटल कहता है, क्या हम 290 कर सकते हैं 1 स्टार करने के बाद, तो काफ़ी क्लोज है। लास्ट अटैक अगर 3 स्टार भी होता है तो हमारा स्कोर होगा 285। तो चलो देखते हैं लास्ट अटैक। ओके गाइस, हम आ चुके हैं अपने लास्ट अटैक पे, और ये जो बेस है वो काफ़ी कॉमन सा बेस है, लेजेंड लीग में काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है काफ़ी टाइम से। यहाँ पे मैंने टाउन हॉल से जो है फिर वही चीज़ यहाँ पे यूज़ करने की कोशिश की। मैं दो दो इंडिविजुअल से टाउन हॉल लेना चाहता था, बट तीसरा वाला यहाँ पे ड्रॉप करना पड़ा, क्योंकि मैं रिस्क भी नहीं ले सकता साथ में। तो यहाँ पे जो है सीसी को मैंने अपोजिट साइड में यहाँ पे बुलाया है, एंड हेड हंटर्स नहीं थे आई थिंक। मैंने यहाँ पे किंग आ गया, किंग सही रास्ते जा रहा है, मैंने ड्रैगन्स और सुपर ड्रैगन जो है स्पैम कर लिया, एंड बाकी जो है बेस में सब कुछ सही जा रहा था। मेरे पास अभी भी दो इंडिविजुअल पड़े थे जो कि मैं सही वक्त देख के यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ इंडिविजुअल को। क्वीन वहाँ पे बची हुई है, किंग जो है उसमें बहुत सारे बारबेरियंस है, उससे भी काफ़ी हेल्प मिलता है, टैंक करता है वो किंग। एंड ए बेस में देख सकते हो ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, एंड ए आर्मी काफ़ी स्ट्रांग है। अगर आप अपने स्पेल्स वगैरह बचाओ सही, मतलब जितना ज़रूरत है उतना ही यूज़ करो, तो देख सकते हो ये काफ़ी इजीली ट्रिपल हो गया, जबकि ब्लिज़र्ड से मैंने सिर्फ टाउन हॉल ही लिया था।
तो दिस इज़ इट गाइस। एंड यहाँ पे जो है हमारा फाइनल स्कोर मैं आपको दिखाता हूँ कल का कितना था यहाँ पे। ओके, तो वो स्कोर जा चुका है, बट कोई नहीं, आप देख सकते हो जो भी अटैक्स यहाँ पे, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था 40, देन 99, बाकी 77, 40, एंड आई थिंक रीलर तक था। तो हमारा स्कोर था 285 कल का, एंड विथ 1 स्टार, तो काफ़ी सही है। और हम हैं अभी 5.6 पे, कल कल भी ठीक ही था, कुछ अटैक्स इजी जो है मैंने मिस किए थे, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ एवरेज में 270 टू 280 रखूँ, क्योंकि सीज़न को ज़्यादा डे नहीं बचा है। तो मिलते हैं एक और लेजेंड लीग के एपिसोड में, एंड ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो चुका है, तो अब मैं एंड कर रहा हूँ। एंड टेक केयर एवरीवन, और होप करता हूँ आज का डे अच्छा जाए, मेरा और आपका भी, एंड गुड लक विथ योर पुशिंग। टेक केयर एवरीवन, एंड गुड बाय फ्रॉम मी।